मुख्यमंत्री के तौर पे गहलोत को देखना चाहते हैं? जादूगर तो जादूगर ही। गोविंद सिंह जी डोटासरा है, उनके विधानसभा क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़ से, उसी में सबसे ज्यादा टीचर बनते हैं, उसी में उनके परिवार से इतने लोग आरएस निकल रहे हैं, तो खाली उन्हीं के लोग पड़ रहेगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान जितने भी अच्छे और बुरे कार्य हुए उनका एनालिसिस करके जो पार्टी अच्छी है उसकी तरफ अपना रुझान करूँ। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बस 21 दिन बाकी रह गए हैं। हम फिर आए हैं लोगों के बीच उनसे बातचीत करने के लिए, माहौल जानने के लिए, उनकी राय जानने के लिए कि इस बार क्या देखना चाहोगे राजस्थान में, भाजपा कांग्रेस क्या चाहोगे। कुछ युवा है हमारे साथ, युवाओं से बातचीत करेंगे, एक जगह मिल चुके हैं, बहुत सारे युवा है। सबसे पूछेंगे कि भाजपा आनी चाहिए राजस्थान में या फिर कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है, अशोक गहलोत लगते हैं या फिर सचिन पायलट लगते हैं, और भाजपा में कौन सा नेता आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। खैर कुछ लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? वीरत चौधरी नाम है मेरा। वीरत चौधरी। वीरत चौधरी, हाँ जी। चुनाव होने वाले 21 दिन बाकी रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल राजस्थान का? सर यहाँ पे तो कांग्रेस ही लग रही है। कांग्रेस ही लग रही है, बिल्कुल। क्यों लग रही है? उसका रीज़न है, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हमारे लिए अभी तक बीजेपी ने देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। मगर जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, हमारा OPS चालू करा, RJHS की सुविधा कराई, और भी बहुत सारी हमें सुविधाएं मिली है कांग्रेस के, तो मेरी तरफ से तो कांग्रेस है और पसंद है। मैं भी सपोर्ट और मेरे कहने वालों को भी सपोर्ट करूँगा कि कांग्रेस को सपोर्ट कर। मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत को देखना चाहते हैं? जादूगर तो जादूगर ही। जादूगरी। और युवा? युवा के हिसाब से भी कोई गहलोत जीतने वो नहीं हुए उम्र के, अभी बहुत टाइम बच रहा है उनके पास। अच्छा, 5 साल और चाहेंगे उनको देखना। 5 साल और, बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? रामगोपाल सालवी। रामगोपाल, आपका क्या मानस है इस बार? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। और मुख्यमंत्री के दावेदार? अशोक गहलोत साहब। अशोक गहलोत ही। कारण? इन्होंने बहुत सारे काम किए कांग्रेस सरकार ने। काम किए गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो फिर से देखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? विष्णु सिंह नरूका। विष्णु सिंह नरूका। विष्णु सिंह, आपका क्या मानना है? ये भाई जी का कांग्रेस ही आएगी, हमारा कांग्रेस ही आएगी। भाई भाजपा का नहीं है क्या यहाँ पे? आप हो क्या? आइए, क्या नाम है आपका? अंशदीप सिंह चुंडावत। अंशदीप सिंह चुंडावत। अच्छा, क्या मानना है आपका? बीजेपी आनी चाहिए सर। और क्यों आनी चाहिए बीजेपी? सर हम अभी पढ़ाई करते हैं, इस दौर में देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में 17 बार पेपर लीक हो गए, ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं बाकी रहा जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ों में कांग्रेस को आप देख सकते हो, जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, आरोपियों को क्या सजा हुई, और पेपर लीक में जैसे SOG को जांच दी, CBI को जांच क्यों नहीं दी? क्योंकि कांग्रेस सरकार मिली हुई है इसलिए SOG को जांच दे रखी है। अगर सच्चा होते तो सेंट्रल में देते CBI को जांच। और जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार, बहुत सारे काम इस सरकार में बहुत ज़्यादा। बीते कुछ दिन पहले प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की गोविंद सिंह डोटासरा, उनके आवास पर जाती है ED, दबिश देती है, कार्रवाई करती है, क्या मानना आपका? सर इस मामले में कोई जानकारियाँ मिलती है पेपर लीक को लेकर? सर जैसे गोविंद सिंह जी डोटासरा है, उनके विधानसभा क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़ से, उसी में सबसे ज़्यादा टीचर बनते हैं, उसी में उनके परिवार से इतने लोग RS निकल रहे हैं, तो खाली उन्हीं के लोग पड़ रहेगा। जैसे जालौर में या वो एक विश्नोई में एक घटना हुई, एक ही परिवार से, एक ही गांव से 150 से प्लस SI निकले हैं। ये पॉसिबल हो सकता है कि राजस्थान में खाली एक ही गांव से इतने लोग SI से निकले हैं? कुछ इंसान तो ऊपर लेवल पे ही कुछ पेपर लीक हुआ है तभी जाके ये मामला हुआ है, और ना इसकी कोई जांच हुई है ना कोई बात। जांच होती तो इन सबको एक बार ज्वाइनिंग रोकनी चाहिए, इन सबका कोई हुआ है जी, क्या कहना है? मैं नहीं मानता सर, मैं ये बोलता हूँ अगर इसमें अगर हुआ है पेपर लीक हुआ है या और कुछ हुआ है तो बीजेपी की सरकार में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने भर्तियाँ निकाली नहीं, कांग्रेस निकाल तो रही है। जहाँ पे माल होगा वहीं तो चोरी होगी, अब आपके पास माल ही नहीं है तो चोरी क्या निकालेगी? तो पेपर लीक भी होंगे, अरे क्यों नहीं होंगे? और हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या हो गया? मेरे हिसाब से हुए नहीं, मगर मैं तो आपके हिसाब से इनके हिसाब से बता रहा हूँ। अरे भर्तियाँ आ रही है तो कुछ ना कुछ तो हर चीज़। अब आप ये बताओ, नोटबंदी हुई तो क्या नोटबंदी सही थी बीजेपी की? सही थी क्या? तो फिर ये जियो के टावर कैसे लग गए? सारा काला धन वाइट में कैसे कन्वर्ट कर लिया? कुछ है इसका रीज़न बताओ आप? अरबों खरबों रुपए थे वो कैसे पता लग गया? उससे पहले रिलायंस का था, रिलायंस अगर जियो नहीं चलता तो जीरो हो जाता, सारा पैसा इसमें कन्वर्ट कर दिया। उनको कैसे पता नोटबंदी होने वाली है? तो वैसे ही भर्तियाँ दी है कांग्रेस ने। अगर अब ऐसा तो नहीं जी ने पर्सनल जाके लिया, खिलवाड़ नहीं हुआ युवाओं के साथ? मैं नहीं मानता, नहीं मानता। विकास हो रहा है तो कुछ ना कुछ। क्या नाम है आपका भैया? अंकित सिंह खींची। अंकित सिंह खींची।
विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मानना है, किस दिन बाकी है? भाजपा कांग्रेस, देखो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी टाइम से कांग्रेस है, तो इस बार चाहेंगे कि बीजेपी को भी एक बार मौका दिया जाए। हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में ये हुआ है कि डोटासरा जी ने, मतलब उनकी फैमिली से काफ़ी आरएस निकले हैं, तो और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था, तो इसको लेके कोई, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया था, मतलब पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया गया था कि इसके बिहाइंड क्या था, क्या रीज़न था उसका। पेपर लीक मुद्दा का आप बता रहे हो? हाँ, पेपर लीक, सही भाई भैया ने बताई है ना। तो कांग्रेस पार्टी पे कहीं ना कहीं जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, एक काम कर सकता है युवाओं में, क्या चाहोगे इस बार भाजपा कांग्रेस? भाजपा है या कांग्रेस, बात इतनी सी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो साइड है उसका थोड़ा देखा जाए, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि जो ऊपर है उन्हीं का देखा जाता है, स्टूडेंट्स का इतना नहीं देखा जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है। क्या नाम है आपका? सुनील। आपका क्या मन है इस बार? काम क्या है? दिल से कांग्रेस फिर से। कांग्रेस एक नारा बन गया है कांग्रेस पार्टी के, अक्सर होर्डिंग्स पे देखे जाते हैं ये नारे। क्या नाम है भैया आपका? रवि। रवि, आपका क्या मानना है विधानसभा चुनाव को लेकर, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है और बीजेपी तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है? मेरे को तो वही है, भाजपा ही। भाजपा, बस वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लग रहा है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जी, कुछ नाम बता रहे थे भैया आप। मेरा हर्षित चौधरी। क्या कह रहे थे पहले आप? मेरा ये मानना है, देखिए पहली बात तो मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है नहीं, फिर भी मैं अपने कुछ अगर अपने ओपिनियन रखना चाहूँ तो जो जिधर जिस भी पार्टी का अगर नेता अच्छा होगा ना, मेरा उसी तरफ वोट जाएगा। मैं ही नहीं मानता कि बीजेपी कांग्रेस, नो पार्टी नो कमेंट्स, ओनली पॉलिटिशियन। अच्छा, एक विधानसभा में जो अच्छा नेता रहेगा उसे चुनना चाहिए। जैसे कि मुझे, जैसा कि मैंने फर्स्टली मेंशन किया कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान जितने भी अच्छे और बुरे कार्य हुए उनका एनालिसिस करके जो पार्टी अच्छी है उसकी तरफ अपना रुझान करूँगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वोट है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार के जो दौरान कुछ काम हुए थे, कुछ घटनाएं हो गई थी, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आरोप लगाए थे कि साधु संत सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं, दुष्कर्म के मामले हैं, पेपर लीक होकर युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको ट्विटर पर, एक्स पर, जो अब नाम बदल गया है, वहाँ पर चुनौती दी है कि आप आइए और मेरे साथ बहस कीजिए। तो क्या बहस होनी चाहिए? बिल्कुल, ये वन टू वन फेस टू फेस बातचीत होनी चाहिए, तभी सारी चीज़ें सामने आएगी। जब तक ऐसे बातचीत नहीं होगी तो मेरे को नहीं लगता वो उनकी तरफ से अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, वो अपनी तरफ से अपना, तो ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं होगी, उनको फेस टू फेस बात करनी चाहिए। आप युवा हो यहाँ पे, तमाम पता होगा कि एक परिपाटी, एक रिवाज, एक ट्रेंड है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये लगभग 30 सालों से चलता आ रहा है राजस्थान में, और आपकी बार लग रहा है कि भाजपा ये जो ट्रेंड है, रिवाज है, अपने लिए बुनाने की कोशिश करेगी, क्या ये रिवाज बरकरार रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए? ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई रिवाज जरूरी वापस रिपीट होना ज़रूरी हो, पार्टी अच्छी होनी चाहिए, अगर कोई पार्टी अच्छी हुई, दावेदार हुई, क्या भाई उनको आना चाहिए, वो ज़रूर आएगी। आपका क्या मानना है, जो रिवाज है लगभग 30 सालों से चलता आ रहा है, राजस्थान की जनता यही तय करती, इस बार भी यही तय करेगी या कुछ अनोखा देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल, इस बार वापस कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, आप भी जानते हो। आप युवा हो कांग्रेस पार्टी में, सचिन पायलट भी युवा नेता है जी, क्या मानना है? काफ़ी अच्छे नेता है वो, और उन्होंने वो भी, मतलब उन्हें जहाँ से लड़ते टोक से काफ़ी अच्छा, वहाँ पे उनका मजबूत पक्ष है, और लगता है कांग्रेस फिर से आएगी इस बार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे? हाँ, वो तो अशोक गहलोत है, वो जादूगर साहब है, वही बनेंगे। आपको पता होगा, थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको मिलती होगी कि गहलोत और पायलट में दूरियाँ है, जो गहरी खाई है विचारों की, मन नहीं मिलते दोनों के। हाँ, वो भी है, लेकिन अब घर का मामला है, वो सुलझा देंगे। और इस बार जी बताइए, सर हो जाइए। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे बीजेपी में अभी तक कोई से कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, कोई भी बन सकता है, अब कांग्रेस में ये है कि या तो गहलोत साहब है या सचिन पायलट, में 10 चेहरे जी, तो ये नहीं है कि मतलब किसी एक कोई पर्टिकुलर वो दे रहे, कांग्रेस में ये अभी तो पार्टी में ही वो दोनों में विवाद चल रहा है कि किसको बनाएंगे किसको बनाएंगे। पिछली बार भी जैसे गहलोत सरकार ने पायलट साहब को पहले उप मुख्यमंत्री बनाया, सारे विभाग अपने, बड़े बड़े विभाग अपने पास रखे गहलोत साहब ने, उनको लालच दिया क्योंकि बहुत सारे वो MLA उनके साथ भी थे पायलट साहब के साथ, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, जब जैसे इनकी बिगड़ी उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया। अब इनके अंदर खुद के अंदर ही पार्टी में विवाद चल रहा है, तो ये जनता का क्या भला करेंगे? और बीजेपी में जैसे अभी वसुंधरा राजे मैडम है,
सर का कहना था कि वो बीजेपी पेपर कम करवा नहीं करवाती है, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी पेपर नहीं करवाती, बीजेपी में भी पेपर करवाए हैं पर उसमें लीक नहीं हुए हैं। इधर पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, एक नंबर से, मतलब पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है काम। अगर मान लीजिए कि अशोक गहलोत तो अभी दावा कर रहे हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और छोड़ेगी भी नहीं, जिस प्रकार से आपने बयान देखे होंगे अभी कुछ दिनों में वो दे रहे हैं लगातार ये बयान। पायलट कहते हैं कि जो अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो जो विधायक रहेंगे, जो विधायक दल के नेता रहेंगे, वो चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई निजी आदमी नहीं तय कर सकता कि मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, हाईकमान तय करेंगे कौन रहेगा। ये सर पहले सर ये जादूगर है, ये कहने की बात है, पहले बातें कर लेते हैं, लास्ट में इनके मन की करते हैं सर पूरी बातें। और सर ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ये गहलोत साहब है राजनीति में, अपने बेटे को भी उतारे वैभव गहलोत, ये पिछली बार इन्होंने उसमें लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से इनके बेटे वैभव गहलोत जी को उतारा, उनके पीछे बहुत सारे राजस्थान के मंत्री लगा दिए थे, फिर भी वो चुनाव हार गए। ये अपना मतलब परिवार का वो चलाना चाहते हैं। बाकी जैसे बीजेपी में ये वसुंधरा मैडम ये नहीं कर रही है कि अब इनके बाद इनका बेटा, उनका बेटा भी सांसद है दुष्यंत कुमार जी, तो वहाँ पे भी तो वो हो रहा है परिवारवाद। वो अपनी मेहनत से बने, इन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री लगा दिए थे इनके पीछे इनको जिताने के लिए, पर ये जैसे जोधपुर विश्वविद्यालय में चुनाव हुए थे तो वो उनके पीछे भी इन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत को लगाया था, पर वो इनकी जनता ने इनको सपोर्ट नहीं किया और वो हार गए थे, क्योंकि जनता ये सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि आप कौन से विधानसभा से आते हो? मैं कुंभलगढ़ विधानसभा, सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ एमएलए हैं अभी बीजेपी गवर्नमेंट से, बीजेपी के। जो आपने अभी जोधपुर का जिक्र किया था, जोधपुर में जो रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते थे उनको शामिल किया गया भाजपा में, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम नेता मौजूद थे वहाँ पे, उनको शिव से टिकट नहीं मिला, वो लगातार वहाँ पे जनसंवाद कर रहे थे, अब क्या होगा उनका स्टैंड, क्या होगा उनका? सर टिकट मिलना ना मिलना, ये रविंद्र सिंह जी भाटी अगर और मेहनत करते, अगर वो तो अभी अभी मैदान में आए, उनसे बड़े दिग्गज नेता भी वहाँ पे है, तो पहली प्रायोरिटी उन्हीं की रहेगी, क्योंकि जो बड़े हैं उनको पहले टिकट मिले, जो वो अभी नए उनको आने वाले समय में मिल जाएगा टिकट, वो उनकी मेहनत कर रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे कुछ युवा थे, हमने इनसे बातचीत की, सब पढ़ाई लिखाई करते हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो मेरे जितने ही हैं सब लोग, और इन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि इस प्रकार से विधानसभा चुनाव पर ये राय रखते हैं, सोचते हैं। एक युवा मिले थे, वो तो पहली बार वोट करेंगे और सोच समझ के वोट करेंगे कि मैं पार्टी को नहीं देखूंगा, जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा, जो जीता रहेगा और जो काम करने के लायक रहेगा उसको मैं वोट करूंगा। आप देखना होता है कि राजस्थान में तस्वीर क्या होती है, चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, भाजपा के लिए फ़ायदेमंद होते हैं युवा या फिर कांग्रेस के लिए, और जो लोग हैं राजस्थान के वो क्या तय करते हैं, क्या ये परिपाटी जो चलती हुई आ रही है उसको तोड़ेंगे, खंडित करेंगे या फिर ये बरकरार रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।